Welcome to my channel Mathsomatic makes math easy. Today we will study class 9 chapter 3 coordinate geometry exercise 3.2 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम. ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है देखिए. ये है मेरा कार्टेशियन सिस्टम. ये कहता है when a horizontal line and a vertical line are placed together. यानी कि अगर हम लोग जब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को और किसी वर्टिकल लाइन को एक साथ प्लेस करते हैं यानी कि प्लेस टुगेदर बोथ इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन 0.0 यानी कि दोनों मेरा इंटरसेक्ट होता है मेरा एक पॉइंट में जो होता है मेरा 0.0 का देन द टू डायमेंशनल फिगर फॉर्म इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. तब जाके जो टू डायमेंशनल एक फिगर फॉर्म होता है वो मेरा बन जाता है कार्टेशियन प्लेन. यानी कि ये वाला देखिए ये है मेरा एक वर्टिकल लाइन ये सीधा लाइन जो है और ये लाइन है मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन. दोनों लाइन मेरा एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है ये वाला पॉइंट ये बन गया है मेरा 0.0 वाला पॉइंट ठीक है. और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन. ये मेरा होता है ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन प्लेन. अब देखिए ये वाला हो जाता है मेरा एक्स एक्सिस और ऊपर वाला ये वाला हो जाता है मेरा वाई एक्सिस. ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कार्टेशियन प्लेन का जो 0.0 वाला ओरिजिन है वहां से राइट के तरफ जो चल गया और लेफ्ट के तरफ जो चल गया वो हो जाता है मेरा एक्स एक्सिस. यानी कि राइट वाला हो जाता है प्लस वाला एक्स एक्सिस और लेफ्ट वाला हो जाता है माइनस वाला एक्स एक्सिस ठीक है. ध्यान से देखिए और इस ओरिजिन से मेरा जो लाइन ऊपर चला गया ये वाला हो गया वाई एक्सिस और नीचे वाला भी हो गया है मेरा वाई एक्सिस. यहाँ कहता है क्वाड्रेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन सिस्टम. यहाँ पे जो कार्टेशियन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं उस कार्टेशियन सिस्टम का चार क्वाड्रेंट्स होता है क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. ध्यान से देखिए मैंने यहाँ बनाया है देखिए ये है क्वाड्रेंट 1 ये है क्वाड्रेंट 2 ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है देखिए द पॉइंट्स इन द एक्स कोऑर्डिनेट. जो पॉइंट्स मेरा एक्स कोऑर्डिनेट में होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा और जो पॉइंट्स मेरा वाई कोऑर्डिनेट्स में होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट ठीक है. यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाला हो गया एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट वाला हो गया ऑर्डिनेट. अब देखिए यहाँ पे कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट पी इज 3. पॉइंट एक पी है मेरे पास इस पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है मेरा 3 एंड पॉइंट क्यू इज -2. पॉइंट क्यू जो है वो है मेरा -2. देयरफॉर एब्सिसा हो गया मेरा 3 एंड -2. यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने ये बनाया है कार्टेशियन प्लेन यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला है मेरा ओरिजिन और मेरा जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो है ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस. ये है मेरा पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस ये है नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस. सिमिलरली ये हो गया है मेरा प्लस वाला वाई एक्सिस और ये है मेरा माइनस वाला वाई एक्सिस ठीक है. अब देखिए जो कह रहा था एक्स कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट पी इज 3 यानी कि ये वाला है प्लस 3. देखिए एक्स कहाँ है ये है मेरा एक्स. एक्स में प्लस 3 कहाँ आएगा ये है मेरा एक्स का प्लस 3. ये हम लोगों ने मार्क कर लिया ठीक है. अब देखिए पॉइंट क्यू इज -2 तो एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा -2 कहाँ आता है एक्स कोऑर्डिनेट ये है -2 आता है मेरा यहाँ पर ठीक है. हम लोगों ने मार्क कर लिया यानी कि एक पॉइंट हो गया मेरा 3 ये वाला और एक पॉइंट हो गया मेरा 2 ये वाला माइनस यानी कि -2. अब कहता है द वाई कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट पी इज 3 यानी कि पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट वो 3. तो वाई में 3 कहाँ आता है प्लस में ये वाला है मेरा प्लस 3 तो वाई में प्लस 3 आता है देखिए यहाँ पे. इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया ठीक है. और देखिए पॉइंट क्यू का जो है मेरा मार्किंग वो है -4 तो वाई में यानी कि मेरा वाई कोऑर्डिनेट में -4 कहाँ आता है वाई कोऑर्डिनेट में ये आता है मेरा -4. तो ये देखिए ये पॉइंट हो गया मेरा -4 का. तो पॉइंट पी के लिए हो गया था एक्स में 3 और पॉइंट पी के लिए हो गया था वाई में 3. तो देखिए ये है मेरा 3 और ये है मेरा 3 दोनों मेरा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है ये लाइन यहाँ से आ गया और ये लाइन यहाँ से आ गया दोनों लाइन मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में.
तो ये मेरा हो गया है पॉइंट P, यानी कि 3.3, ये हो गया है मेरा x के लिए और ये हो गया है मेरा y के लिए। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट बना था Q के लिए, ये पॉइंट Q कहाँ बना, x के लिए था -2, यानी कि ये वाला हो गया -2, और y के लिए था -4, ये वाला हो गया -4। दोनों जगह से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि वो एक दूसरा को इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट में देखिए वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये हो गया है मेरा -2, -4। -2 हो गया है मेरा x के लिए और -4 हो गया है मेरा y के लिए। हमेशा याद रखिए पहले x लिखते हैं हम लोग और फिर y लिखते हैं। लिखने का जो मेरा पैटर्न होता है वो होता है मेरा x, y। ये हमेशा मेरा x का जो वैल्यू है वो पहले आएगा और y के वैल्यू मेरा बाद में आएगा। ये कभी भी आप लोग y को सामने नहीं लिख सकते हैं, y, x अगर आप लिखते हैं तो ये मेरा हो जाता है गलत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है मेरा एग्जाम्पल 1। देखिए क्या कहता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कहता है कि फिगर 3.11 देखिए और दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए ये है मेरा फिगर 3.11, यहाँ पे है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है मेरा प्लस वाला एक्स एक्सिस, ये है मेरा माइनस वाला एक्स एक्सिस, ये है मेरा प्लस वाला वाई एक्सिस और ये है मेरा माइनस वाला वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स M, पॉइंट B, पॉइंट S और पॉइंट L को मार्क किया है और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका आंसर देना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ फिगर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो पॉइंट B का जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा मेरा 4 और 3, यानी कि ये है मेरा पॉइंट B। तो पॉइंट बी का एब्सिसा यानी कि हो गया है ये वाला और ऑर्डिनेट यानी कि हो गया है ये वाला, ये हो गया मेरा 4.3। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 4.3। एक्स मेरा आता है पहले और वाई मेरा आता है बाद में। ध्यान से देखिए एक्स में कहाँ है, ये एक्स है मेरा, एक्स में आ गया 4 और वाई में आ गया 3, ये हो गया मेरा 4.3, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नंबर 2। नंबर 2 कहता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। पॉइंट m जो है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखिए पॉइंट m का x कहाँ पे है, ये है x, तो पॉइंट m के लिए x हो गया है -3 और पॉइंट m के लिए y हो गया है मेरा 4। पॉइंट m के लिए मेरा x और y कोऑर्डिनेट हो गया है -3 और 4, इसलिए हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ m आर -3.4, यानी कि ये हो गया है x और ये हो गया है y। अब देखिए नेक्स्ट, ये है मेरा पॉइंट 3। ये कहता है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L आर -5 और -4, ये है मेरा पॉइंट L। पॉइंट L का जो x कोऑर्डिनेट है ये वाला है मेरा -5 और पॉइंट L का जो y कोऑर्डिनेट है ये है मेरा -4। इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, देखिए हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ L आर -5, -4। यहाँ पे था मेरा x के लिए -5 और y के लिए था -4, इसलिए ये है मेरा x और ये है मेरा y, ओके। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4, ये कहता है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s। s जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, s जो पॉइंट है उसका ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला है y कोऑर्डिनेट, तो x है मेरा 3 और y है मेरा -4। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ s मेरा हो जाएगा 3 और -4, यानी कि ये है मेरा x और ये है मेरा y, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल 2। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। यहाँ पे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कुछ पॉइंट्स मार्क किया हुआ है, हमको उसका कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए कहता है, जैसे कि ए बी सी डी और ई, ये सारा पॉइंट्स मार्क किया हुआ है इस फिगर में और यहाँ पे हमको कहता है कि ए बी सी डी ई का कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे हम लोगों ने वो वाला फिगर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट मेरा कहता है कि मेरा जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका साइन क्या होगा, यानी कि ये है मेरा एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स वाई। हमेशा याद रखिए कोई भी नंबर
अगर मेरा क्वाड्रेंट वन में पड़ेगा तो वो वाला हो जाएगा मेरा प्लस एंड प्लस, यानी कि मेरे पास जो भी आएगा x और y का वैल्यू वो मेरा दोनों प्लस में ही होगा, ठीक है। जो मेरा इस एरिया में पड़ जाएगा वो वाला मेरा वैल्यू प्लस में ही आएगा, ठीक है। और जो वैल्यू मेरा क्वाड्रेंट टू में पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यू मेरा इस वाले एरिया में पड़ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, उसमें मेरा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस और y का वैल्यू हो जाएगा प्लस। जो वैल्यू मेरा क्वाड्रेंट थ्री में पड़ेगा, यानी कि इस वाले एरिया में अगर मेरे पास कोई वैल्यू पड़ जाएगा तो वो वाला वैल्यू मेरा हो जाएगा x माइनस में और y माइनस में, ठीक है। क्वाड्रेंट फोर, अगर कोई वैल्यू मेरा क्वाड्रेंट फोर में पड़ता है तो वहां पे मेरा जो नंबर होगा उसमें x वाला जो नंबर होगा वो हो जाएगा प्लस में और y वाला जो नंबर होगा वो वाला हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर में जो मेरा नंबर आएगा, यानी कि जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आएगा उसका साइन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोलता है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई का निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कहाँ पे है, देखिए ये है मेरा पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए में मेरा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है मेरा 4, ये है मेरा 4। और y का वैल्यू क्या है, देखिए ये मेरा कहाँ जा रहा है, ये मेरा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे y क्या होता है, यहाँ पे मेरा होता है 0, 0, इसलिए यहाँ पे मेरा y हो गया है 0, ठीक है। अब देखिए b, b बोलता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, b कहाँ पे है, देखिए b है मेरा y में, तो ये मेरा हो गया है y, y का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, ये मेरा प्लस में है ना, तो ये हो गया मेरा प्लस 3। और x कहाँ है, देखिए x मेरा इस लाइन में है, तो ये वाला लाइन जो है वो x को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, यानी कि x का वैल्यू हो गया है मेरा 0, इसलिए ये हो गया है मेरा 0, 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ये है मेरा पॉइंट c, इसमें मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये c कहाँ पे है, देखिए c है मेरा यहाँ पे, इसमें y कुछ है, y देखिए कहाँ पे है, ये मेरा y आ रहा है इधर, y वाला लाइन मेरा इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, ये हो गया है मेरा 0 और x हो गया है कितना -5, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ c हो गया है -5, 0। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d, देखिए ये पॉइंट d कहाँ पे है, ये वाला है मेरा पॉइंट d, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये है मेरा -4, क्योंकि ये मेरा y है, इसलिए y एक्सिस में ये हो गया -4। और x कहाँ है, x मेरा यहाँ पे है, तो ये जो लाइन है ये मेरा कट कर रहा है x को इस पॉइंट में, यानी कि ये हो गया है मेरा d का वैल्यू x के लिए 0 और y के लिए -4। अब देखिए e कहाँ पे है, ये है मेरा e, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा y कहाँ पे है, y है मेरा 0 और x क्या होगा, x मेरा हो जाएगा ये 2/3, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।